निवासी रहनुमा बेरोजगार नौजवानों का ख्याल रखने वाला अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की नजर हर एक शख्स पे है, कोई गुनाहगार है, परहेजगार है, कोई जिम्मेदार है, कोई सोने का काम करता है, कोई चरस का काम करता है, अल्लाह ताला की नजर है सब पे। मुझ पर मेरे बहुत गरीब घर से मैं पैदाइश हुई, लेकिन अल्लाह ताला की मर्जी थी मैं हर इम्तिहान में फर्स्ट आता गया, यहाँ तक कि मुझे अमेरिका की सबसे अला यूनिवर्सिटी में तालीम हो सकती और दुनिया की सबसे बड़ी कानूनी फर्म में मैं वहाँ पे मैंने काम किया। फिर वापस आया एक बार अपने गांव, तो देखा भी छोटा सा मकान, गोबर इधर भी उधर भी, बिजली नहीं, दिए जुड़ा के, तो मैंने कहा कि मुझे अल्लाह को तो जवाब देना हो। मेरे बहन भाई वो क्या चाहते हैं वो करें, लेकिन जो हमारा फर्ज है, मेरा फर्ज है, मैं करता रहूंगा। और आप सब मेरे भाई हैं, औलाद मेरे, अल्लाह ताला करे कि हमारा जो मुस्तकबिल है वो रोशन हो, हमारे नौजवानों का मुस्तकबिल रोशन हो, हमारी बहनों की इज्जत और उनका एहतराम अल्लाह ताला करे उसी तरह से कायम जिस तरह हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त की औरतों के साथ सलूक किया था, वैसा ही सलूक हमें अपनी बहनों से बेटियों से करना चाहिए। आप इजाजत दीजिए, अल्लाह ताला ने चाहा तो दोबारा मुलाकात करेंगे। हमारे भाई हैं बुजुर्ग बरादरी के, जिस तरीके से आपको दबा के यहाँ पे रखा है, वक्त आया है कि अपने वोट से उनको जवाब दें। तो ये कौन सी बात है भाई कि अगर किसी के पास पैसा है तो वो क्या गुंडागर्दी करेगा, गरीबों को दबा के रखेगा, ये कहाँ का इंसाफ है। हम इंशाल्लाह अल्लाह की मदद से और आप लोगों की मदद से अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाबी अता करे। परवरदिगार आलमीन आप को इस मुसीबत से निकाले, जहाँ मुझे पता है कि ये फेसबुक पॉलिटिशियन जो है आपके पछाड़ में हर एक को खुश रखने के लिए हर दरवाजे पे होते हैं। सुबह ब्रेकफास्ट एक जगह, लंच दूसरी जगह, डिनर तीसरी जगह, ताकि आम लोगों की रसाई जो है वो ना हो सके और आम लोगों के मसले मसाइल ना हो सके। आप लोगों को कैसे दबा के रखा है उन लोगों ने, मैं बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं गुजारिश करूंगी पछाड़ के हमारे बुजुर्ग हैं, इनका जिक्र भी उन्होंने किया, उस फैमिली का जिक्र भी किया, और उन तमाम लोगों से, आम लोगों से मैं अपील करती हूँ, मैं आप लोगों से अपील करती हूँ, उन्हें डरना नहीं चाहिए, डरना चाहिए सिर्फ अल्लाह की जात से। ये लोग होने जिनसे डरना है। अब आप लोगों ने, मैं आपको मुबारकबाद पेश करती हूँ जो हमारी गुजर बरादरी के नौजवान बच्चे मेरे साथ आके मिले, आज आपने सर उठा के जीना सीख ली। और कहना चाहिए न झुकने वाले, वाले और न डरने वाले, ये पावर के इतने भूखे हैं। अगर इनकी इनका रिपोर्ट कार्ड हम मांगेंगे एज एमएलए बेग साहब का काम छोड़ के, तो हमको अपनी कारकर्दगी दिखा दी, फिर आए आपसे वोट मांगने। लिहाज रिश्ता पुराने शरीफ ड्रामा इससे वोट हासिल करके अगर ये एमएलए भी बन जाए तो लोगों के दिलों में इनकी जगह नहीं होगी, ना इज्जत होगी। सही है गलत है, मैं इनको बताऊंगी कि मैंने एज ए डीडीसी बेग साहब के बाद अगर इस इलाके में किसी ने इंस्टीट्यूशंस लाए वो मैंने लाए, चाहे वो एजुकेशन आपका कोहलना का हो, बाड़ी बाला का हो, तकरीबन मैंने 20 करोड़ का काम सिर्फ एजुकेशन सेक्टर पे किया है, 10 लाख तकरीबन 8 करोड़ का बाड़ी बाला में मैंने हॉस्पिटल लाया है, 2 करोड़ का ब्रिज लाया है। ये बता देना हमें ऑनरेबल एक्स एमएलए साहब कि आपकी कारकर्दगी पछाड़ में क्या एक अदर ट्रांसफार्मर भी नहीं दिया होगा आपने,
क्योंकि खटपैंच जो पाले थे, खटपैंच थोड़ा हम लोग उनका काम करते हैं। खटपैंचों को अपना जेब गर्म होना चाहिए और उनका काम है आप जैसे गरीब और आप लोगों को पसमांदा रखना, ताकि आप उनकी आंख में आंख डाल के बात ना कर सके। आज थोड़ी हिम्मत करना मेरे भाइयों, आज थोड़ी मदद करना। अल्लाह का नाम लेके हम नेक नीति के साथ आए, हम बदनीति के साथ नहीं आए, हम एक बड़े मकसद के लिए आए। मैंने अपनी कॉन्शियंसी कुर्बान कर दी, जहां मेरा 15% वोट शेयर था, क्योंकि हम बड़े मकसद के लिए आए हैं। आज मैं अपने बुजुर्गों से, नौजवानों से, अपनी बहनों से गुजारिश करती हूँ कि आज अपना रोल आपको निभाना है, ताकि आपके बच्चों का मुस्तकबिल जो है वो रोशन हो।